हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ससुराल व्लॉग, ससुराल में मेरा रूटीन। तो आने के बाद वैसे 7-8 दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, क्योंकि कंडीशन जैसे मैंने बताई थी आपको, पापा की थोड़ी ठीक नहीं थी। सो अभी पापा स्टेबल हैं। बीच में चल रहा था कि पापा को शायद हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उनका ऑक्सीजन डाउन हो गया था, बट थैंक गॉड सब ठीक रहा। अभी पापा घर पर ही हैं, अच्छे से हैं। सो मैं अपना शावर लेके आ गई थी और रेडी हो रही थी। तो रेडी होने के बाद भी हालत तो ऐसी ही है, यहाँ पर इतना गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और मुझे तो सबसे ज़्यादा पसीने आते हैं। किसी को घर में नहीं आते इतने, मुझे सबसे ज़्यादा पसीने आते हैं। और आज पापा जी को देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, तो ये मैंगोज़ लेके आए थे। ये यहाँ का बहुत फेमस है, बिहार का मालदा आम बोलते हैं इसको, मालदा। मगर ये इतने मीठे नहीं थे उस टाइम पर जब आए, तो मम्मी बोल रही थी जब बारिश हो जाती है ना, जब ज़्यादा मीठे आते हैं। और ये भी लाए थे मेलन्स, और तो ये भी इतने मीठे नहीं थे, बट इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जब ये देखे हमने सुन के, तो ऐसा लगा था काफ़ी मीठे होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, बट ये पके नहीं थे, कच्चे ही थे। तो इतने सारे लेके आ गए, तो इसमें से कुछ मम्मी ने ऊपर भिजवा दिए थे, ऊपर जो लोग रहते हैं इसी पे उसमें अपार्टमेंट में। तो ये मैंगोज़ मैंने, सारे मैंगोज़ मैंने ही खाए, किसी ने भी नहीं खाए। उस मैंगो पे सारे आते ही मैंने अटैक कर लिया था। सबसे पहले मैं आपको अपने घर का छोटा सा टूर करा देती हूँ। सो देखिए, गेट से हम लोग बाहर आए, ये बैकयार्ड है घर का, पीछे की तरफ का एरिया है, वहाँ पर इस तरीके से मम्मी ने सब प्लांट्स लगा रखे हैं, जिसमें तुलसी है और भी काफ़ी सारे, देखिए मेरे को सबका नाम तो नहीं पता है, बट काफ़ी सारे प्लांट मम्मी ने लगा रखे हैं यहाँ पर। सो इस तरीके से कुछ दिखता है एरिया। अभी गर्मी इतनी है तो सारा ग्रीनरी नहीं है, नहीं तो लास्ट टाइम जब आई थी तो काफ़ी ग्रीन था यहाँ पर। और यहाँ पर ये अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है, गुआवा का, जिसमें छोटे छोटे गुआवा हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। जब भी मैं आती हूँ ना, कोई भी फ्रूट्स लगे रहते हैं ना इधर, तो ये साइज़ छोटे ही रहते हैं, पके हुए खाने लायक नहीं रहते। लास्ट में आई थी जब यहाँ पे पपाया का झाड़ था, उसमें पपाया लगे हुए थे, बट उस टाइम भी वो पके नहीं थे, कच्चे थे। तो मम्मी बोल रही अभी 30-35 दिन और लगेगा इसको पकने में। सो ये है, कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये उनका सामान रखा है जो ऊपर रहते हैं उनका। और यहाँ से जाते हैं तो जहाँ से हमने एंट्री की थी बाहर वाला गेट दिखता है, तो इस तरीके से कुछ है। यहाँ से देखिए बाहर का गेट दिखता है, और यहाँ से आएंगे तो यह बैकयार्ड है, इस तरीके से है ये। वहाँ पे झूला भी लगा हुआ है, झूला मैं जब भी आती हूँ झूलने बैठ जाती हूँ, और डेली मैं झूला झूलती झूलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है स्विंग, आपको पता ही होगा, काफ़ी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं मम्मी ने, और इसमें से कुछ प्लांट्स ऊपर जो रहते हैं उनके भी हैं, जैसे कि ये जो एलोवेरा का है ना, ये उनका ही है, ऊपर लगा हुआ है। और मम्मी ने भी काफ़ी कड़ी पत्ता लगाया हुआ है, बट ये वाला कड़ी पत्ता का जो पेड़ है ना, ये ऊपर वालों का है। कितना बड़ा यहाँ पर कड़ी पत्ते का पेड़ हो गया है, जब मैं लास्ट टाइम आई थी मम्मी ने नया नया लगाया था, और जो पीछे लगा हुआ है ना यार्ड में, तो उसमें इतना बड़ा हो गया है, वो बहुत ही हरा भरा हो गया अच्छे से। बट इतनी गर्मी है यहाँ पर, तो पानी डालो ना सुबह शाम तक तो ऐसा लगता है कि पानी नहीं डाला है प्लांट्स में। सो बस अब इवनिंग का टाइम हो गया है, इवनिंग में थोड़ा सा मैं अपने वॉक कर रही हूँ, क्योंकि आज मार्केट जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी कर ली हूँ। देख सकते हो आप, अभी भी धूप आ रहा है, अभी ये 5:30 बजे का टाइम है, बट धूप अभी भी है इधर। तो यहीं मैं वॉक कर लेती हूँ, ये फ्रंट एरिया है जहाँ से गेट की एंट्री होती है उस जगह। और थोड़ा सा वॉक करने के बाद मैं आ गई यहाँ पर, अभी को बोल रही चलो चलते हैं मार्केट। तो अभी रेडी भी नहीं हुए हैं, अभी रेडी होंगे तब हम निकलेंगे। सो जब तक मैं अपने यहाँ झूला झूल रही थी, ये झूला पहले भी जहाँ शादी करके गई थी वारसलीगंज, वहाँ पे भी लगा हुआ था। पहले वारसलीगंज में पापा की पोस्टिंग थी, पापा हमारे जो हैं पापा जी डॉक्टर हैं, तो उनकी पोस्टिंग पहले वहाँ थी, अब यहाँ राजगीर में है वो। सो इस तरीके से कुछ है। और ये देखिए यहाँ पे भी एक पपाया का झाड़ लगा हुआ है, पेड़ है, और इसमें भी छोटे छोटे ही लगे हुए हैं अभी भी। अभी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उन्होंने वहीं से घर से ही कर रहे हैं काम, और वो मुझे बोल रहे थे कर लो तुम भी अपना थोड़ा बहुत ब्लॉग, क्या करोगे बैठे बैठे, बोर होती मैं उनको बहुत परेशान करती हूँ, बैठ रहती हूँ तो खाली, क्योंकि करने के लिए कुछ रहता नहीं है, मेड आती है वो सब करती है, खाना वाना भी मम्मी इतना बनाने नहीं देती, क्योंकि पापा का टेस्ट का ऐसा है कि पापा को सब नपा तुला हाथ चाहिए, थोड़ा भी नमक ज़्यादा हो जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए तो पापा खाते नहीं हैं, बहुत ही पर्टिकुलर है अपने खाने के बारे में। सो इसीलिए, और ये देखिए हम लोग अब जा रहे हैं मार्केट। सो ये है वो गली जहाँ से हमने एंट्री की थी लास्ट ब्लॉग में, आपने देखा होगा। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से पूरा गली, ये पहले ना यहाँ पर साइड में कुछ बना नहीं था, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं था, पूरा ऐसे मैदान था, अब ये गली जैसा बन गया है। और मैं अपना पर्स दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने नया लिया था तो आपको दिखाया नहीं होगा मैंने, तो छोटा सा पाउच लगा लिया है और एक बैग ले लिया है बस।
और ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है पापा का, यहाँ से लोगों को पता चलता है कि यहाँ जाना है भाई, यहाँ पर रहते हैं डॉक्टर साहब। सो ये गली के आगे ही लगाया हुआ है तो सबको इजीली पता चले। अब बस हम लोग अपने रिक्शा का, ई रिक्शा बोलते हैं जो चलता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक से, तो उसका वेट कर रहे हैं बस। और मैं अपना एज़ यूजुअल चालू अपना व्लॉग करने में। जैसे ही मार्केट पहुँचे मुझे दिखा एक पानी पूरी का ठेला, और पानी पूरी का ठेला दिख जाए और मैं खाऊँ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी बोल रहे थे यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा, मत खाओ मत खाओ, मैंने मतलब कुछ भी मिले मैं खाने दो बस। तो यहाँ पर ठीक था, मतलब ओके ओके था, इतना टेस्टी तो नहीं था जैसा मिलता है, बट वही है जिसको पसंद है वो तो कैसे भी खा ही लेगा ऐसा है। मार्केट हम लोग आए थे शॉपिंग करने, एक्चुअली मम्मी लेके गई थी पापा का एक लोअर, तो वो मोटे मोटे वाले कपड़े का था, तो मम्मी बोली इसको चेंज करके पतला वाला कपड़े का लेके आ जाओ। उसमें हम लोग गए और अपनी शॉपिंग भी हम लोग करने लगे फिर वहाँ से। तो अभी ने दो टी शर्ट ली और मैंने भी लेगिंग्स ली। लेगिंग्स मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, मैं लेके भी नहीं आई थी, सो दो तीन लेगिंग्स मैंने ख़रीदा, एक कुर्ती भी ख़रीदी मैंने। और एंड में तो इस पापड़ी को तो मैं कैसे छोड़ दूँ, वो बोल इनको मैंने बोला पापड़ी बना के, तो बोले पापड़ी क्या होता है, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था पानी पूरी वाले को, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे करके दो, तो उसने बना के दिया फिर। तो यहाँ देखो अभी का ट्रायल चल रहा है, तो ये टी शर्ट ली उन्होंने और एक और टी शर्ट ली। वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को सब एक्सचेंज करने में और नए कपड़े ख़रीदने में। उसके बाद हम लोग मार्केट की तरफ गए, सब्ज़ी वगैरह तो नहीं लेना था, सब्ज़ी हमारे यहाँ पर एक पापा की देखभाल के लिए रखा हुआ आदमी को, उसको मम्मी डेली भेज के फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी मंगवाती है, तो सब्ज़ी तो नहीं लेनी थी मम्मी ने कहा। बट ये मंगाया था इसको क्या बोलते हैं, नाम भूल रही हूँ अभी, भुंजा बोलते हैं आई थिंक, हाँ भुंजा या भुजिया ऐसे कुछ बोलते हैं। सो ये सब रहता है ना कॉर्न वगैरह, इसको सब ये लोग फ्राई करके देते हैं इस तरीके से नमक में, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो मम्मी मंगाई थी ये, तो ये लिया था, काफ़ी टेस्टी लग रहा था। ये देखो ये सब आइटम्स रखे हुए ना, इनको इन्होंने फ्राई किया था। और बस अब मैं आपको रात का अब यहाँ पे शूट करके दिखा रही हूँ, और वही मैं अभी को बोल रही हूँ यहाँ पे गर्मी कितनी हो रही है, चिप 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 हो रहा है स्किन, और मुझे ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों एसी की गंदी आदत लगी है, तो मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, अभी को इतनी नहीं लगती है। सब लोग यहाँ पे बिना कूलर के सोते हैं और एक मैं अकेली कूलर लगा के अपना सोते हैं यहाँ पर, तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। सो एनीवे अब है नेक्स्ट डे यहाँ पर, और सुबह सुबह नाश्ते में मम्मी ने बनाया है प्याज की रोटी और ये हलवा है, जो कि बहुत ही टेस्टी था खाने में। और अचार तो कैसे ही भूल सकती हूँ मैं, मम्मी को बोला अब मैं सारा अचार ख़त्म करके ही जाऊँगी यहाँ से। तो अभी अपना लग गए काम पे यहाँ पर, और मैं भी अपने काम पर लगी हुई ऐसे ब्लॉक कर रही हूँ। और ये सब रूम की भी सफाई करनी है अभी नेक्स्ट डे, अभी का छुट्टी रहेगा तो करेंगे सैटरडे के दिन। और यहाँ पे देखो अभी मम्मी करी पूजा, और यहाँ पे अभी और दीदी का फ़ोटो लगा हुआ बचपन का, इसमें अभी कितने क्यूट लग रहे हैं छोटू से गोलू मोलू से। और यहाँ पे लाइट बहुत जाती रहती है ना, तो ये इन्वर्टर लगाया हुआ है, सो इसमें अच्छा रहता है यहाँ पर बैकअप के लिए, नहीं तो इतना लाइट जाता रहता है, थोड़े टाइम के लिए जाता है 5-10 मिनट के लिए, बट जाता रहता है बार बार। अब हो गई है इवनिंग, सीधा इवनिंग में मिल रही हूँ आपसे, थोड़ा थोड़ा क्लिप में शूट कर रही थी वहाँ पे, ऐसे कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। अभी इवनिंग में आपको थोड़ा सा घर का टूर दे देती हूँ, तो इस तरीके से कुछ है ये, लेकिन अभी यहाँ घूम रहे हैं, उनका काम हो गया है, कुछ तो बात कर रहे हैं मम्मी से, मम्मी किचन में है। तो मम्मी ब्लॉग में नहीं आएगी, मम्मी को चरम आती है थोड़ी सी चाय है वो,
तो उनको मैंने नहीं लिया क्योंकि कोई अनकंफर्टेबल हो तो मुझे नहीं पसंद है उनको लेना, क्योंकि ब्लॉगिंग मेरी चॉइस है, मुझे पसंद है करना और मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। पूछ लेती हूँ मैं, किसी को आना है तो ठीक है, नहीं आना तो कोई बात नहीं है ऐसा ना, और जब उनको कंफर्टेबल लगेगा तब आएंगी वो। सो यहाँ पर देखो, मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी बना दी पापा के लिए और अब मैं यहाँ पर राइस फ्राई कर रही हूँ जो सुबह का बना था। तो मम्मी बोल रही थी छोड़ दो वो, तुम रोटी खा लेना, मगर मेरे को राइस का इतना ज़्यादा है ना, तो मैंने बोला नहीं मम्मी, इसको फ्राई करके खाने में अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ वही अपने लिए फ्राई कर रही थी। और अभी को मैंने कैमरा थमा दिया यहाँ पर मेरे को शूट करने के लिए, क्योंकि ट्राईपॉड वगैरह मैं नहीं लेके आई, बड़ा वाला एक सेल्फी स्टिक लेके आई थी बट उसको हर जगह नहीं खड़ा कर सकती क्योंकि वो ऐसे आगे की तरफ ज़्यादा झुकता नहीं है, उसको खाली स्ट्रेट खड़ा कर सकते हैं, तो उसको मैं नहीं सेट कर रही थी। तो अभी मेरा ट्राईपॉड बनकर घूम रहे थे पीछे में, तो उनको मैंने कैमरा थमा दिया था, तो कुछ कुछ शूट कर रहे थे वो, तो यहाँ पर वही चल रहा है, हम लोगों का खाना बन रहा है अभी रात का। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे दो दिन बाद। एक दिन पहले हम लोगों ने डस्टिंग की थी और सब जाले वाले निकाल के क्लीनिंग की थी, सो इस तरीके से अब सजा दिया है ये रूम को। इसमें अभी बैठ के अपना काम करते हैं ऑफिस का, और जितना हो सका मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है, बट ऐसे ही रहता है यहाँ पर, सो ज़्यादा ऑर्गेनाइज आपको दिखेगा नहीं। सो ये शेल्फ में सामान थे ना सब बिखरे हुए थे, इनको मैंने क्लीन करके अच्छे से सब अरेंज कर दिया है। कुछ कार्डबोर्ड के मैंने बनाए थे ऑर्गेनाइज़र, उसमें सेट कर दिया है। और सामने देखिए किचन है, उसके सामने साइड में जो है ना पेंट्री यूनिट है जिसमें मम्मी अपना सामान रखती है किचन का, सब छोटा सा टूर दे रही हूँ आपको मैं यहाँ पे। और जिस कमरे से हम निकले ना उसके लेफ्ट साइड में ये रूम है जिसमें हम लोग रुके हैं, मतलब अभी और मैं इसमें रहते हैं अभी। और यहाँ पर एक ये खिड़की है और इसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है मुझे वॉइस ओवर करने के टाइम पर, क्योंकि वहाँ से कोई भी जाता आता रहता है, गाड़ी भी आती जाती है तो बहुत आवाज़ आती है। और ये शेल्फ भी मैंने अरेंज कर दी है, और ये रही मैं आई। और ये ना मम्मी ने मिरर पे ना इस तरीके से पर्दा लगा रखा है कपड़ा, क्योंकि मम्मी बोलती है बेड के सामने रहता है ना तो मिरर में दिखना अच्छा नहीं रहता, इसीलिए लगाया हुआ है मम्मी ने यहाँ पर, इसको कवर कर देते हैं। वैसे मैं आई हूँ जब से तो इसको कवर किया हुआ नहीं है, ऐसे ही है ये। और ये मम्मी का देखिए छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है जिसमें मम्मी ने बहुत सारे बैंगल्स रखे हुए हैं, इसी दिन आपको अच्छे से दिखाऊंगी, बहुत सारा कलेक्शन है मम्मी के पास बैंगल्स का। ये देखिए सब कार्डबोर्ड के डब्बे थे ना, इनको सबको मैंने सेट करके इसमें सामान रख दिया है, और इस तरीके से रखा है कि मम्मी को मिल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं रख के गई थी ना तो मम्मी मेरे को कॉल करके पूछ रही थी कि ये कहाँ रख दिया, रेखा वो कहाँ रख दिया, तो इस बार मैंने कोशिश की कि सब मैं सामने ही रखूँ। सो इस तरीके से छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस में सब में मैंने सामान अरेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े सब सजा दिए निकाल के, और नीचे की तरफ मैंने अभी के भी सजा दिए, और अभी कपड़े निकालते तो ये देखो ये बिगाड़ दिया उन्होंने, इसको भी ठीक कर देती हूँ। तो इस तरीके से फ़िलहाल मैंने रख दिया है सब। डस्ट बहुत आता है यहाँ पर भी, क्योंकि साइड में गली जैसे मैंने बताया आपको, तो वहाँ से आता रहता है। और ऊपर भी ये इतना अच्छा पेंटिंग रखा है हॉर्स का, और ये जो देखे ना बीच में ये मैं उठा के लेके जाने वाली हूँ अगेन, कुछ ना कुछ सामान लेके जाते ना उठा के, तो उसमें से मुझे इस बार ये पसंद आ गया, ये वहाँ से ये लकड़ी का है वुड का, काफ़ी अच्छा लग रहा है वो। और भी क्या क्या ले जाने वाली हूँ उसमें से ये भी एक आइटम है, ये मुझे मिला है ग्लास का सेट, तो पापा डॉक्टर हैं तो कुछ ना कुछ उनको मिलता रहता है, वो जो लोग आते हैं ना अपना कुछ दवाई वगैरह देने के लिए, वो लोग ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स देके जाते रहते हैं, उनमें से ये सब रखे रहते हैं ऐसे ऐसे मम्मी के पास। सो मैं मम्मी को बोल रही थी ये भी मैं ले जाऊँगी, तो कुछ कुछ सामान मैंने साइड करके रख लिए ले जाने वाले। और ये देखो ये कूलर मेरे रूम में ही दिखेगा आपको, और भी कूलर है बट कोई यूज़ नहीं कर रहा है, मैं ही अकेले यूज़ करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी गंदी आदत लगी हुई है ना इसी की, इसीलिए मुझे चलता ही नहीं है। और ये लगाने के बाद भी मुझे इतना गर्मी लग रहा था, और मैं नहीं आई थी ना जब तक अभी ऐसी सूरत है फैन में, और मैं आई हूँ तब कूलर लगा है इधर अभी। और इस तरीके से कुछ है ये रूम जिसमें हम लोग रुके हुए हैं, देखिए पूरा व्यू दे देती हूँ आपको एक बार। अभी का फ़ोटो भी लगा हुआ है सामने, कॉलेज टाइम का या स्कूल टाइम का होगा मुझे याद नहीं, उन्होंने बताया तो था वैसे, कभी कभी मैंने बातें ध्यान से सुनती ही नहीं, मेरा ध्यान किधर और रहता है ना फ़ोन में गए तो भूल जाती हूँ फिर मैं। फिर ये आपको फिर एक दो दिन बाद का ब्लॉग दिख रहा होगा यहाँ पर। फिर हम लोग गए थे इवनिंग में, यहाँ पर है ना घर के साइड में ही एक रिलायंस का खुला है मार्ट, जो यहाँ पे हम लोग आए थे कुछ सामान लेने के लिए। हमने दो चीज़ें मंगाई थी, ओट्स मंगाया था और हैंड वॉश लेना था वो लिया। और फिर अभी अपना कुछ शॉपिंग करने लगे यहाँ पे, बोल रहे थे मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लाया हूँ ले लेता हूँ, मैंने बोला मैं लेके आई हूँ अब मत लो फिर वेस्ट हो जाना है, तो इसीलिए फिर उन्होंने वापस रख दिया। बस हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो मैं रस्ते में आइसक्रीम खा रही हूँ, क्योंकि इसका जो ना ढक्कन नहीं लग रहा था वो हाथ में लेके जा रहे थे हम लोग, कुल्फी लिया था मैंने वो मटका वाला, तो उसको खाते खाते मैं जा रही थी। सो ये है वही गली हमारी, फिर से हम लोग पहुँच गए घर।
सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगी आपसे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करने के ससुराल के। कनेक्ट रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।